हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मुकेश। वेल, आज के दिन हम जानने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हम लोग अपने स्पीच को कैसे डिलीवर कर सकते हैं और हम लोग स्टार्टिंग में क्या क्या बोलना होता है, किस तरीके से बोलेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग दो अलग अलग तरीके से जानेंगे। वेल, यदि आप भी इंटरेस्टेड है और आप सीखना चाहते हैं कि आप स्पीच किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो आइए सीख लेते हैं। वेल, पहली बात हम लोग के सामने ये आती है, जब हम लोग अपने स्पीच को डिलीवर करने के लिए जाते हैं, भाषण देने के लिए जाते हैं स्टेज पर या कहीं और पर, तो हम लोगों को पहला जो सेंटेंस है क्या बोलना होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, सबको विश करेंगे, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन या गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन या गुड मॉर्निंग टू ऑल में से आप कोई ये कह सकते हैं, या नहीं तो और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगे उसका यूज कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन बोलिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू माई क्लास टीचर हु गैप मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फ्यू वर्ड्स अबाउट इंडिपेंडेंस डे। और आप यहाँ पर ऑन इंडिपेंडेंस डे कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपको बोलना होगा, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स एंड माई डियर कंपेनियंस। और यहाँ पर यदि चीफ गेस्ट नहीं आया तो चीफ गेस्ट नहीं यूज कीजिएगा। और भी एक तरीका आप बोल सकते हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माई लवली फ्रेंड्स। वेल दोस्तों, इन दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप इसको यूज कीजिएगा। और नेक्स्ट लाइन आपको बोलना होगा, आई एम मुकेश, मेरा नाम है मुकेश, तो मैं बोलूँगा आई एम मुकेश। आप अपना नाम यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद आई रीड इन डैश, यदि आप कॉलेज में पढ़ते होंगे तो आप लगाइएगा आई स्टडी इन डैश, जिस भी क्लास में पढ़ते होंगे उसका नाम बता देना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे, टुडे आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी स्प्लेंडिड इंडिपेंडेंस डे। यहाँ तक मेरा इंट्रो हो गया, अब हम लोग मेन स्पीच को स्टार्ट करेंगे। टुडे वी आर हेयर टू सेलिब्रेट दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, दिस वॉज द डे इन 1947 वेन वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। वी आर फॉर्चुनेट दैट आवर फोर फादर्स फॉट फॉर अस एंड गेव अस अ लैंड ऑफ पीस, अ पीसफुल लाइफ दैट वी आर लिविंग टूडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ दियर सेक्रीफाइजेज। सो मेनी ग्रेट लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस एंड मेनी अदर्स डिवोटेड दियर होल लाइफ टू द सर्विस ऑफ नेशन। नॉट टू फॉरगेट दे सेक्रीफाइज दियर लाइफ टू गेट अस फ्रीडम एंड नाउ इट इज आवर टाइम, इट्स टाइम टू टेक ओथ टू डू समथिंग सिग्निफिकेंट फॉर आवर कंट्री। वॉट वी आर नाउ एंड वॉट वी हैव टूडे इज ऑल गिवन बाई आवर फोर फादर्स। नाउ वी हैव टू आस्क आवर सेल्फ्स वॉट वी आर गोइंग टू गिव टू आवर कमिंग जनरेशन। टूडे इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वी आर वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड एंड डेवलपिंग रेपिडली इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड मेनी अदर्स विच कूडंट बी पॉसिबल विदाउट फ्रीडम। सो एट द एंड ऑफ माई स्पीच आई वुड लाइक टू से दैट वी मस्ट बी प्राउड टू बी इंडियंस। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हे दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।